नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिनभर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कार्रवाई में अवरोध, विपक्ष ने उठाया सांसदों की अयोग्यता का मुद्दा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा इस पर नहीं हो सकती बहस। शरद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सभापति के फैसले पर रोक से इनकार, संसद की कार्रवाई में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री को सत्र के सार्थक और उपयोगी रहने का भरोसा, सकारात्मक बहस पर दिया जोर, सदस्यों से सहयोग की अपील। एक बार में तीन तलाक से जुड़े विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, गैर जमानती अपराध बनाने का प्रावधान, 3 साल की सजा और जुर्माना। सरकारी सेवाओं और योजनाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, अनिवार्यता के मुद्दे पर 17 जनवरी से अंतिम सुनवाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। विधेयक को मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक में 3 तलाक देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 तलाक से जुड़े बिल मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। ये कानून सिर्फ एक साथ 3 तलाक देने पर लागू होगा। मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सपोर्टेड इट। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि इस बिल के डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में यहां मैं कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इतना कहने के कि ये बिल देश की मुस्लिम समाज की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए है। विधेयक में एक साथ 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को गैर जमानती अपराध बनाने का प्रावधान है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माने की व्यवस्था है। पीड़ित महिलाओं को गुजारा भत्ता लेने और बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप से 3 तलाक को अवैध माना गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर मंत्रालयी समूह ने इसका मसौदा तैयार किया था। ट्रिपल तलाक पे कैबिनेट ने आज एक डिसीजन लिया। अब जो अगर बिल के रूप में जब वो लाएंगे तो उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद उसके बाद विपक्ष तय करेगा कि उसमें देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से प्रावधान है कि नहीं, संविधान के हिसाब से प्रावधान है कि नहीं, उस हिसाब से रणनीति तय की जाएगी। जब हम लोगों को परेशानी हो गई तब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को लाइट ऑफ कुरान फैसला दिया और ये निर्देश भी दिया कि सरकार इस पे कानून बनाए, तो अब सरकार ने इसको फॉलो किया है। मैं इसको धन्यवाद देती हूँ। 6 दिसंबर को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ केंद्र के विधेयक का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को एक बार में 3 तलाक की प्रथा को अवैध करार दिया था। इस आदेश के बाद भी देश भर में 3 तलाक के 66 मामले सामने आए हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 3 तलाक पर कैबिनेट के फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लीगल एडिटर ट्रिब्यून से सतप्रकाश। प्रकाश, स्वागत है आपका। लंबा विवाद चल रहा था इसको लेकर, अगस्त में कोर्ट का फैसला आता है और अब सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से इस कानून बनाने को लेकर मंजूरी और संसद में पेश किया जाएगा इसी सत्र में। जिस तरीके की रफ्तार दिख रही है, सीरियसनेस अपने आप में समझ में आती है, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई इफ एंड बट्स दिख रहे हैं, खासकर क्या इसे लागू किया जाए, कैसे किया जाए, सजा को लेकर। जब आज ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद मैं सोशल साइट्स पर देख रहा था मुस्लिम संगठन या उससे जुड़े लोगों की ओर से अलग अलग राय थी। क्या कानूनी पहलू फिलहाल दिखते हैं मोटे तौर पर? देखिए, मोटे तौर पे यह है कि जो दिक्कत आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसको असंवैधानिक करार दिया, जो तलाक के बिद्दत है, जो जिसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक बार में तलाक 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 कह दिया और शादी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इस तरह के तलाक दिए जा रहे थे, जिसके कारण, और अगर ऐसा उसके बावजूद हो रहा है तो उसके लिए आपके सामने कोई उपाय है जिससे आप इससे निपट सकते हैं? ऐसा कुछ कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, तो एक तरह का कहें कि एक गैप था कि आप असंवैधानिक हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो प्रैक्टिस में है, और प्रैक्टिस में है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए कोई कानून नहीं है,
वो जो गैप था उसको भरने की कोशिश की जा रही है, एक। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस तरह की समस्या झेल रही थी, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस दौरान ये साफ हो गया था कि सरकार ने एक स्टैंड ले लिया हुआ है और ये स्टैंड पिछली सरकारों से अलग था, क्योंकि अब तक की सरकारें एक तरह से कहें ऊहापोह के कारण या और तरह के कन्फ्यूजन के कारण उन्होंने कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया हुआ था। पहली बार सरकार ने कहा कि नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, बगल में हमारे पाकिस्तान है, सऊदी अरब तक में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये नहीं है कि ये इस्लाम के अनुकूल है, ऐसा भी नहीं है। इस बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जिसमें जो तलाक 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 एक साथ तलाक बिद्दत को सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए सरकार ने स्टैंड लिया कि इसको गलत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दिया। अब मुस्लिम महिलाओं के सामने एक कानून है, उनके पास एक हथियार होगा, अगर उनके साथ इस तरह की चीज़ की जाती है तो वो अदालत जा सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने उनके सामने, और ये कंप्लेंट दायर कर सकती हैं। और देखिए बगैर डेटरेंस के, बगैर किसी भय के किसी कानून का पालन नहीं कराया जा सकता, इसलिए डेटरेंस का प्रावधान होना चाहिए। इस बात पर चर्चा हो सकती है कि सज़ा 3 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, वो अलग चीज़ है, जिसको कहते हैं कि सज़ा कितनी हो या जुर्माना कितना हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सज़ा होनी चाहिए, ये इस पर मेरे ख्याल से आम राय होगी। दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से सुरक्षा का भाव उनके मन में आएगा कि अगर इस तरह से उनके साथ कभी होता है तो वो अदालतों में जाएंगी और अदालतों से बच्चे की कस्टडी और या फिर मेंटेनेंस के लिए वो आदेश ले सकती हैं। ये मेरे ख्याल से डेटरेंस के साथ साथ ये अगर ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। उनका अधिकार, एक राइट, ये अधिकार, ये एक तरह से राइट क्रिएट कर, देखिए अभी सारी दुनिया में एक तरह से जिसको बोलते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच चलता है, कोई समस्या है तो आप उसको कैसे निपटेंगे, एक है कि आप अपनी तरफ से कुछ कर दे रहे हैं सरकार के बेनिवोलेंस पे या उनकी नेकनीयति पे सारी चीज़ें निर्भर कर, अगर आप कानून बना के उनको अधिकार दे देते हैं कि वो अदालतों में जाके ये चीज़ें मांग सकती हैं तो ये उनके लिए इंटाइटलमेंट बन जाता, एक बड़ा बदलाव, एम्पावरमेंट हो जाता है, तो ये एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी एक सवाल खड़ा होता है प्रकाश जी की पार्लियामेंट में, क्योंकि इसी सत्र में आना है और राजनीति हमने देखी एक बहुत लंबा अरसा इसको लेकर राजनीति हुई है, और जैसा आपने खुद कहा भी वो हकीकत भी है कि अलग अलग सरकारों का स्टैंड अलग अलग रहा है, रेफर करते रहे, क्योंकि फाइनल डिसीजन सरकारों की ओर से नहीं लिया गया, पहली बार ऐसा सामने आया है। संसद में जो प्रोसेस है क्या उसमें आपको लगता है कि अब तमाम दल मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे, जल्दी से इसको पास करने की कोशिश होगी, या फिर कहीं उस रूट पर ले जाने की कोशिश होगी कि वक्त कहीं और खिंच जाए? देखिए ये भारत के की राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट है, जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने ये शक्ति दिखाई है कि इस तरह के कहें कि संवेदनशील मुद्दे पे सरकार ने एक कदम उठाया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी, चूँकि अदालतें भी इससे भागती रही हैं, साहबानों में उन्होंने जो भी फैसला दिया उसके बाद सरकार पीछे हट गई, उसके बाद बहुत बार इस तरह के मुद्दे आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और सरकार ने भी ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी राजनीतिक दल भी, चूँकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मुस्लिम समाज ये जो अब तक जो कुछ चल रहा था उसके साथ है, जो मुस्लिम समाज का भी एक पढ़ा लिखा तबका है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको कानून की जानकारी है, जिनको राजनीति की समझ है और इस्लाम की समझ है, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए उसमें आखिरकार जो इस व्यवस्था की जो विक्टिम्स हैं, जिन जो शिकार हो रही है, वो कौन है? वो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, तो आखिर उनको अलग करके आप नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए ये एक तरह से मानवीय संवेदना का भी मुद्दा है, ये सिर्फ कानून या राजनीति या समाज का नहीं है, ये मानवीय संवेदना। उस स्तर पर अगर आप देखें मेरे ख्याल से राजनीतिक दल में भी जो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग दलों में, कुछ मुद्दे हैं जिन पे, क्योंकि अब ये उनको लग रहा है कि अगर पॉलिटिकली भी देखें तो ये है कि अगर आप इसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो हाफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, आप मुस्लिम महिलाओं को जो कि वोटर्स भी हैं उनको आप नाराज़ कर रहे हैं, और मुसलमानों में भी एक जो पढ़ा लिखा तबका है, एक जो प्रगतिशील तबका है, उसको आप नाराज़ करेंगे, तो इसलिए एक अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हो रही है। लेकिन दलील ये भी दी जा रही है जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, और अभी भी मैं आज रिएक्शन देख रहा था कि बहुत सारे कानून हैं तमाम तरह के जुर्म को रोकने के लिए, लेकिन उससे बदला नहीं है, तो
एक और कानून के जरिए उससे कुछ खास बदलेगा नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस का जिक्र यहाँ तक किया जा रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं हत्या को लेकर, बलात्कार को लेकर, हर चीज़ के लिए कानून है, हर चीज़ के लिए सजा का प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन फिर उसके आधार पर आप ये कहें कि इसलिए ये कानून ही ख़त्म हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। कानून अपनी जगह है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि लॉ को हम एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं सोसाइटी को एक खास तरफ ले जाने के लिए। हम कई बार पुचकार के काम कराते हैं, कई बार फटकार के कराते हैं, कई बार उससे आगे जाकर कई बार होता है कि लॉ को फोर्स का यूज करना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा और ऐसा करके जो कुछ भी है सबको जेल में डाल दो और ऐसे कर दो वैसे, ये नहीं है। ये एक, मैंने कहा कि पुचकार के, फटकार के और ये कानून का भय दिखा के समाज में ये जो कुरीति है उसको ख़त्म करने की चीज़ होनी चाहिए। देखिए, हमारे समाज में दहेज है, उसको लेके भी कानून बना हुआ है कि दहेज से रिलेटेड जो वायलेंस है तो उसको भी हमने गैरकानूनी करार दिया हो, उसमें कुछ मामलों में तो बहुत ज़्यादा सजा है और ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। तो इसलिए ये कि आप किसी को लाइसेंस नहीं मिल सकता है ना कि किसी आप स्त्री के साथ इस तरह का, उनके अधिकार हैं, उनके अधिकार, स्टेट जो है ना मूक दर्शक बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहा नहीं रह सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही हकीकत में तब्दील होगा, संसद से पारित होगा और जो मुस्लिम महिलाओं की एक बड़ी समस्या है जिनको लेकर वो कोर्ट भी गई थी, उनको इंसाफ और न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यदि पहले के बाद छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। कार्यक्रम में हम भारत के अलग अलग राज्यों में जाएंगे, उन मुद्दों पर वहां के राज्यसभा सांसदों और वहां के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। राज्यों का विकास, जनता के मुद्दे। हरियाणा को अगर डार्क जोन से तब्दील करके फिर उसी स्थिति में लेके आना है तो लखवाड़ा और किसाऊ डैम जो है जमुना पे, अगर वो बन जाए तो हमारे को बहुत राहत मिल सकती है। कोई भी फॉरनर आए तो वो 200 किलोमीटर नहीं चलेगा, एयरपोर्ट चलेगा, वो नहीं है कनेक्ट, हर एक को अलग अलग कनेक्ट हुई। सरकारी जो स्कूल में है SC BC के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके आय के साधन ठीक नहीं है, जो माँ बाप जागरूक नहीं, उनकी मजबूरी है। नए सिलसिले का आगाज देखिए राज्यनामा सिर्फ राज्यसभा TV पर। रेल 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग और 7,500 स्टेशन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। रोजाना करीब 19,000 रेलगाड़ियां ढोती हैं 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर और 25 लाख टन माल। 14 लाख कर्मचारियों वाली भारतीय रेल रोजाना दौड़ती है जितना धरती से चांद पर 4 बार चले जाएं इतना। शुक्रवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज पर सकारात्मक और अच्छी चर्चा होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सत्र से लोकतंत्र मजबूत होगा, देश लाभान्वित होगा और यह सामान्य मानव की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि संसद का शीतकालीन सत्र सार्थक होगा और दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज पर अच्छी और सकारात्मक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सदस्यों के नए सुझाव से संसद का उपयोग देश की समस्याओं के समाधान में हो सकेगा। अच्छी बहस हो, सकारात्मक बहस हो, इनोवेटिव सुझावों के साथ बहस हो, तो संसद के समय का उपयोग देश के लिए अधिक कारगर निवड़ता है। संसद के सुचारू संचालन में सभी से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सकारात्मक रूप से सदन का सत्र चलने से देश लाभान्वित होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा।
कि देश को आगे बढ़ाने की दिशा में इस सदन के सत्र का उपयोग सकारात्मक रूप से हो। मैं भी आशा करता हूं कि सकारात्मक रूप से सदन का सत्र चलेगा, देश लाभान्वित होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में एक नया विश्वास पैदा होगा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने की भरपूर कोशिश करने का भरोसा दिया। मेरा काम इतना है, सभा को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करना, जितने ज़्यादा हो सके बिल पास कराना, हर पक्ष विपक्ष जो भी बोलना चाहेगा नियमानुसार उसको बोलने के लिए अनुमति देना। 5 जनवरी तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 39 विधेयक लंबित हैं। वित्तीय कामकाज के अलावा दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान 40 विधेयकों पर विचार की उम्मीद है। इनमें 3 तलाक से जुड़ा विधेयक, GST, राज्यों को मुआवजा विधेयक, ऋण शोधन और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक और भारतीय वन संशोधन विधेयक समेत कुल 14 नए विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 लंबित विधेयकों पर भी विचार होगा, जबकि 1 विधेयक को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में अवरोध के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। शून्यकाल में विपक्ष ने शरद यादव और अली अनवर अंसारी की सदस्यता खत्म किए जाने का मसला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को लेकर अवरोध किया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भोजनावकाश के पहले सिर्फ औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शरद यादव और अली अनवर अंसारी की सदस्यता खत्म किए जाने की सूचना दी। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर दैट बाय देयर कॉन्डक्ट एंड एक्शंस स्पीचेस बोथ द रेस्पोंडेंट्स श्री शरद यादव जी एंड श्री आर्य अंसारी जी हैज वॉलंटियरली गिवन अप देयर मेंबरशिप फॉर द पॉलिटिकल पार्टी JDU बाय व्हिच दे वर सेट अप as candidates for the election to the Rajya Sabha from the state of Bihar and elected as such members. विपक्ष ने कहा कि जिस आधार पर सदस्यता रद्द की गई है, उस आधार पर नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्यों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी। वो जो मांगा महागठबंधन के नाम पे और महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार जी और आप छोड़ के चले गए हैं, आपको सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं जो आपने रूलिंग दी, जिसको आपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया, वो रूलिंग आज एज ए वाइस प्रेसिडेंट दी, एज ए चेयरमैन दी या एज ए कोर्ट दी? सभापति एम वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि इस मामले पर चर्चा की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ओखी तूफान से नुकसान पर चर्चा शुरू करने का फैसला किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू कंसर्निंग द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ केरला कोस्ट एंड आल्सो तमिलनाडु। हालांकि अवरोध के चलते शून्यकाल बीच में ही स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के घर पर हुई बैठक पर BJP और सरकार की तरफ से बयानबाजी का मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान बताया और कामकाज स्थगित कर चर्चा की मांग की। सभापति ने इस मांग को खारिज कर दिया। मेरा ध्यान में लाने के लिए उन्होंने लाया और मैंने अध्ययन किया पहले ही और डिसाइड किया उसको ये 267 के अंतर्गत क्वेश्चन और सस्पेंशन का अनुमति नहीं दिया। सभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद अवरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अर्जेंट टू मीट एट 2:30 PM टुडे, द हाउस इज अर्जेंट टू मीट एट 2:30 PM बिकॉज़ नॉन ऑफिशियल डे, मेंबर्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन ऑन दोस। दोपहर 2:30 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन अवरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 3 बजे और फिर 18 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शरद यादव को शीतकालीन सत्र की बैठकों में हिस्सा लेने की अनुमति भी नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई अब 1 मार्च को होगी। हालांकि कोर्ट ने सांसद को मिलने वाले बंगले और सेवा भत्ते लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मामले में राज्यसभा में JDU के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के अलावा राज्यसभा सभापति से उनका पक्ष मांगा। 4 दिसंबर को शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। शरद यादव ने शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी। 2 सितंबर को राज्यसभा में JDU के नेता रामचंद्र प्रसाद ने याचिका के जरिए शरद यादव और अली अनवर अंसारी की सदस्यता संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत खत्म करने की मांग की थी।
और इसके बाद सभापति ने करीब 3 महीने तक पूरे मामले की पड़ताल कर फैसला किया। कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अवलोकन करते हुए सभापति ने माना कि दोनों नेताओं ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है जिस दल की ओर से उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया गया। सभापति ने कहा था कि इस तरह के मामलों में पीठासीन अधिकारियों को 3 महीने के भीतर फैसले लेने चाहिए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने नए मंत्रियों का परिचय कराया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए महासचिव देश दीपक वर्मा के बारे में जानकारी दी। वहीं कई दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। राज्यसभा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के बारे में जानकारी दी। सदस्यों ने मेजें थपथपाकर नए मंत्रियों का स्वागत किया। श्री पीयूष गोयल रेल तथा कोयला मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के नए महासचिव देश दीपक वर्मा का सदन से परिचय कराया। सभापति ने बताया कि देश दीपक वर्मा 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त भी रहे। देश दीपक वर्मा संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं। His articles have been published in prominent English and Hindi newspapers and journals. I welcome Sri Desh Deepak Verma and wish him good luck for his new assignment. इसके बाद सदन में दिवंगत पूर्व सदस्यों खामसुम नमग्याल, एसबी रमेश बाबू, रिशोंग कीशिंग, जयंतीलाल बारोट, माखनलाल फोतेदार, गया सिंह, ईश्वरचंद गुप्ता, मिर्जा इरशाद बेग और सुकुमल सेन को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह को भी याद किया गया। दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। We deeply mourn the passing of the Sri Kamsum Namgyal Phalga, Sri SB Ramesh Babu, Sri Rishank Kishing, Sri Arjun Singh, Sri Jayantilal Barot, Sri Mokanlal Fatedar, Sri Gaya Singh, Dr. Ishwar Chandra Gupta, Sri Mirza Ishad Beg and Sri Sukumal Sen. रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी हादसे और ओखी तूफान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तूफान ने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी मचाई थी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने हॉकी टीम को हाल की कामयाबी के लिए बधाई भी दी। हॉकी टीम को बधाई देता हूं। पंचानन मिश्रा के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। इधर लोकसभा में नए सदस्य कांग्रेस के सांसद सुनील जाखड़ को शपथ दिलाई गई। वो गुरदास लोकसभा सीट से उपचुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय कराया, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत दूसरे मंत्री शामिल थे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को नई महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव से रूबरू करवाया। सदन में 3 निवर्तमान सांसदों और प्रियंजन दास मुंशी समेत कई पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की ओर से गठित न्यायाधीश समिति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज एस के गंगेले को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। 3 जजों की समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को राज्यसभा में पेश हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस गंगेले पर ग्वालियर की एक अतिरिक्त जिला और सत्र महिला न्यायाधीश का यौन उत्पीड़न करने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। समिति के मुताबिक ये भी सिद्ध नहीं हुआ कि गंगेले ने महिला जज को पीड़ित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका का दुरुपयोग किया। 3रा आरोप गैरकानूनी तौर से स्थानांतरण का था, जिसमें समिति ने पाया कि जस्टिस गंगेले ने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन उसे भी समिति ने दुर्व्यवहार नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल समेत दूसरी सेवाओं को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए इसकी सीमा अगले साल 31 मार्च कर दी। हालांकि बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार के लिए आवेदन देने के सबूत देना होगा। संविधान पीठ इस मामले में
अगले साल 17 जनवरी से अंतिम सुनवाई करेगी। और आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार से जुड़े मामले में शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी किया। पीठ ने हर तरह की सेवाओं और सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की समय सीमा भी अब 6 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। नए बैंक खाते भी बिना आधार के खोले जा सकते हैं, हालांकि आवेदनकर्ता को बताना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है। आधार की अनिवार्यता से जुड़ी याचिकाओं पर संविधान पीठ अगले साल 17 फरवरी से अंतिम सुनवाई करेगी। टू ओपन न्यू अकाउंट्स, टू हैव न्यू मोबाइल्स, दिस लिंकिंग ऑफ आधार विद मोबाइल टिल द कोर्ट टेक्स अ ओवरव्यू, आई थिंक इट शुड बी एक्सटेंडेड। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को मानते हुए यह आदेश दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में समय सीमा 31 मार्च करने की जानकारी पहले ही दे दी थी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट द गुड आइडिया हैज टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, द गुड आइडिया हैज टू इंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर वेरिफिकेशन। इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया था। आधार की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने आधार नंबर को 129 से भी ज्यादा सेवाओं के लिए जरूरी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस कदम को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को हैदराबाद में विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय सम्मेलन में तेलंगाना की संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन होगा। सम्मेलन में तेलुगु कवि और साहित्य से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। ये पहला मौका है जब देश में तेलुगु सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से तेलुगु भाषा को शास्त्रीय दर्जा भी दिया जा चुका है। सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना सरकार ने। और इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वेदों में सभी को समान अवसर और समान अधिकार की बात कही गई है, साथ ही जातिवाद को नकारा गया है। उपराष्ट्रपति ने वेदों के अध्ययन पर जोर दिया, इससे हमें ज्ञान और समाज को दिशा देने में मदद मिलेगी। वी ऑल मस्ट गो बैक टू वेदास, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन वेदास। आदिकाल से, वेदकाल से, पुण्यकाल से, पुराण काल से पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला। ये धर्म, ये संस्कृति, ये जीवन पद्धति, इसको कायम रखना है। और वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से आपको और ज्ञान मिलेगा और समाज को मार्गदर्शन करने के लिए आपको पूरा विश्वास भी मिलेगा। खबरों के आज के सफर में इतना ही।